तो आज हमारा गोवा में डे टू और एपिसोड थ्री है ये आरू की फर्स्ट ट्रिप दिल्ली टू गोवा का। तो जस्ट अभी उठा हूँ मैं, कल एकदम से रात को कसीनो का ही प्लान बन गया था तो कसीनो चले गए थे, तो बस आज अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए निकलेंगे और उसके बाद शाम को जाएंगे बीच, क्योंकि आरू को फर्स्ट टाइम बीच भी दिखाना है और रात को कहीं डिनर का प्लान है अच्छी जगह का। तो देखते हैं और सब क्या कर रहे हैं, फिर निकलेंगे। आरू सो रहा है, पूरी रात तंग करा है इसने तन्वी को, मैं तो सो जाता हूँ, अभी मस्त सो रहा है बिल्कुल। गोलू, ये गोलू सो रहा, उठ जा, चलो कसीनो। रेडी फॉर कसीनो? यस, ऑलवेज रेडी। फोन मत उठा सुबह सुबह, उठ जा, आ जा। सुबह सुबह काम नहा धो के क्या बनाया जा रहा है? कॉफी। आज पोहा नहीं बना रहे? अब हम ब्रंच के लिए जा रहे हैं तो फिर वही करेंगे ना। यहाँ से किचन से ये व्यू है, सामने पूरा जंगल है और उसके पीछे बीच है, कुकिंग में मजा आता है। अच्छा, यहीं रह ले फिर? हाँ, रह लो। तो कैसी चल रही है ट्रिप तुम्हारी? अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलते हैं कहीं पे ब्रंच करने, तन्वी ने एक दो जगह डिसाइड कर रखी है तो वहां चलते हैं, वहां बनाते हैं बढ़िया व्लॉग और आरू की अच्छी फोटोज लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कैफे है, बावरी कैफे। वो ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए काफी फेमस है, ब्रंच के लिए भी काफी फेमस है। तन्वी ने फिल्टर किया था, वो वहाँ पे रिजर्वेशन तो हमने की थी बट बुकिंग फुल चल रही थी, तो देखते हैं अभी जाके कि वहाँ पे बुकिंग मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर वहाँ नहीं मिली तो एक दो कैफे हमने शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन में रख रखे, अगर वहाँ नहीं मिली तो फिर वहाँ जाएंगे। एक ईवा कैफे भी है, ईवा कैफे हम काफ़ी बार जा चुके हैं बट इस बार ये कि गोलू को भी दिखाना है और उसका व्यू बहुत अच्छा आता है सनसेट के टाइम। और टाइम हो गया अभी कितने बज गए, 3 बज गए, हाँ नहीं 3 बज गए। ये अभी हम हैं कैलन रूट से थोड़ा सा आगे और ये जो जिस कैफे हम जा रहे हैं बारडेज में है। बारडेज अभी कितना रह गया, 13 मिनट का रह गया रास्ता। मौसम बढ़िया हो रखा है, टेम्परेचर 35 डिग्री है, दिल्ली की गर्मी से दूर आ चुके हैं। दिल्ली में भी टेम्परेचर 47-48 और यहाँ का जो टेम्परेचर 35 डिग्री है ना, तो वो दिल्ली के हिसाब से 30 डिग्री है, इतना वो सही है। राइट लेना था यहाँ पे, रिजॉर्ट बनाने का अलग ही मजा है यार, रिजॉर्ट बन जाए ना एक अपना तो बढ़िया है। यहाँ तो और ज्यादा ग्रीन भी नहीं है कुछ। अरे देखो बीच में कोई रुका हुआ है, क्या हो गया इनके बच्चे के साथ? तो मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता स्कूटी पे, क्या पता लोकल हो यहाँ के, लोकल थोड़ी होंगे और क्या। मेरे जैन खड़ी जी पीछे। यहाँ पे एक तो सबसे बढ़िया बात है, 20-20 साल 25-25 साल पुरानी गाड़ियां भी है, 90s की जैन मारुति 800 जो सबसे पहले वाली बलिनो नहीं थी वो वाली। आरू क्या कर रहा है? आरू क्या कर रहा है? सेडान वाली बलिनो। हाँ सेडान वाली, हाँ मारुति 800 तो बहुत है। आरू क्या कर रहा है? आरू चिलिंग कर रहा है। आरू, आरू का सेकंड डे है गोवा में और पहली ट्रिप, तो आरू को लग नहीं रहा कि मतलब दिल्ली से इधर आ गया, बिल्कुल ही मौज मस्ती में ही है वैसे ही। अरे इसको क्या पता है, कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, कंट्रोल। 4-4 बजे आ रहा हूँ। हाँ कसीनो में जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। यहाँ लाल पत्थर है वैसे, है ना? हाँ लाल मिट्टी है यहाँ की, रोड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब हमें कहीं भी गड्ढे नहीं मिले यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा हम विलेज के बीच में जा रहे हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ा नैरो रोड है, वही उसी की वाइब है उसी। हाँ वो ओल्ड विंटेज गोवा है ना, तो फिर देखने का अलग ही मजा आया। पारा रोड भी आसपास है गाइस, पारा रोड का भी फेमस है अपने पाम ट्रीज के लिए, मतलब दोनों साइड रोड के, दोनों साइड रोड। आपने मूवीज में देखा ही होगा, कौन सी मूवी है वो? दिल चाहता है और पहले मेरे दिल्ली, वो दिल्ली टू गोवा वाली, मेरा एक और पूरी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। अच्छा अच्छा, उसमें पारा रोड का मैंने पूरा दिखा रखा है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। चलो फिर गाइस आपको पहुंच के दिखाते हैं वहाँ पे कैसा है सब कुछ। हाँ कैफे दिखाते हैं, अगर सिटिंग मिल गई तो
ना तो कोई और एक्सप्लोर की हमारे पास टाइम है, अभी तो 3 बजे हैं और ब्रंच का ही टाइम चल रहा है वैसे तो। चलो मिलते हैं आपको कैफे में। टेबल मिला नहीं, 3 बजे क्लोज हो जाता है। अरे आज तो रेड रेड की थीम है, आरू भी रेड, गोलू भी रेड, मैं भी रेड, तनवीर रेड नहीं पहना बस। थ्री रेड डेविल्स इन गोवा, ओ थ्री रेड डेविल्स इन गोवा, मारो मारो मारो, ए शिनचैन ए शिनचैन। तो अब यहाँ आए मोजी गांव, ये भी काफी फेमस है। सामने लोग देख के हंस रहे हैं आरू को, ये रहा नीचे, काफी अच्छा लग रहा है। ये सब तनवी ने ही फिल्टर कर रखे, हम तो कभी नहीं आते ऐसी जगह। अच्छा लग रहा है कैफे तो ना, शिनचैन शिनचैन आ रखे हैं लोग, तो काफी आ रखे हैं, आगे तक गाड़ियां खड़ी है। क्या बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में? हाँ ये है बिल्कुल आशा गांव में, ये आशा गांव भैया आशा गांव है। यहाँ पे सारे ऐसी ही थीम कैफेज बना रखे हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छी लग रही है तनवी भी आज। पूरी गोवा वाली, ओ तेरी बोरा मोजी गांव, इसकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या हाल है भैया, चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरा, यूट्यूब पे भी आके करवाऊंगा आपसे। ये रही मोजी गांव, बहुत बढ़िया कैफे लग रहा है भाई, एक नंबर कैफे। ये लड़कियां ही ढूंढ सकती है ऐसी जगह, लड़के तो अपने पीने वाले तो पी के लौट जाते हैं और हमारे जैसे कसीनो में या बीच पे होते हैं। भाई भारी असली गोवा की यहाँ पे। लाइव म्यूजिक भी होता होगा, अभी तो नहीं हो रहा, क्या पता रात को होता है। पूरा जंगल थीम है, ऊपर भी सिटिंग है, ये देखो नीचे स्विंग भी है। ये होती है भाई शिनचैन, अरे कहाँ गया, इसका गाना गवा रहे एक। तो इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और विद रिव्यूज कैसा था, तो जो भी आने का प्लान करे वो आ सकता है। अंग्रेज भी बैठे हैं, रशियंस भी बैठे हैं, रशियंस ने ये रखा है गोवा को। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस। दोनों नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? अरु किससे मिल गया है तू? इंग्लैंड की लड़की से मिल गया है अरु, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। शादी वहीं करा देंगे इंग्लैंड में। हाँ इंग्लैंड की गर्लफ्रेंड, इंग्लैंड की वाइफ,
अंग्रेजों ने हमें लूटा, हम उनकी लड़की उठा लेंगे और दहेज ले लेंगे, क्यों? तो क्या रिव्यूज है यहाँ के कैफे के बारे में? टीम तो काफी अच्छी है, बट फूड को, फूड और ड्रिंक्स को मैं आउट ऑफ 10, 6, 5, 6, 5, 6 है ना अरू? हाँ, और मतलब पास्ता अच्छा था, मतलब अगर कोई व्यू और थोड़ा सा वो लवर है, ब्रेकफास्ट थीम है, हाँ जंगल थीम लवर है और थोड़ा सा उसको ग्रीनरी पसंद है, सामने देखो बिल्कुल लश डेंस ग्रीन है, तो जिसको ये थीम पसंद है वो आ सकता है, बाकी फूड इतना अच्छा था नहीं बाकी। हाँ, और अब चलते हैं किसी एक और कैफे है, क्या नाम है? बबका। बबका गाड़ी बबका मार रही है फिलहाल तो। कैफे का नाम जिसमें अभी हम जा रहे हैं वो है बबका, और हमारी गाड़ी भी यहाँ गर्मी में खड़े होके बबका मार रही है, शीशा खोल लेते हैं। तो वो कैफे है स्पेशली कॉफी के लिए, कॉफी के लिए काफी फेमस है, तो अभी हमने, हाँ तो टाइम कितना हो गया अभी? साढ़े चार हुए, तो आधे घंटा वहाँ बैठेंगे। हमने प्लान कर रखा है कि दिन के दो कैफे तो कवर करने ही करने हैं, और फिर जो भी टाइम होगा, थोड़ा कभी कसिनो, कभी कहीं डिनर कर लिया, कभी बीच पे चले गए, पंजिम सिटी घूमने चले गए, तो चलते हैं अब बबका कैफे। ये रहा बबका कैफे, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, क्राउड भी सही आता है। आरू कितना घूमेगा तू गोवा में? दिन में तीन तीन कैफे कवर कर रहा है, तुझे शर्म आ रही है? शर्म आ रही है, तेरे को शर्म आ रही है? गोवा घूम रहा है तू, 6 महीने का हो गया, यहाँ वेटिंग चल रही है, हर जगह वेटिंग चल रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छा व्यू है, वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि कल की बारिश दिखा रखी है गोवा में, कल मंडे है, 2nd या 3rd जून है कल, देखते हैं, पूछने गई है वो अंदर तन्वी की, ज़्यादा टाइम लगेगा तो कहीं किसी और कैफे चलते हैं। या क्या हुआ, कॉफ़ी पीनी है? थैंक यू टी, बढ़िया, तुम्हारे लिए था ये, ले लो कॉफ़ी और क्या, आप कौन सी लोगे? देखो सारी तो पेस्ट्री, बहुत बढ़िया मौसम हो गया है, हाँ लो लो यार पेस्ट्री ले लो, हाँ ले लो एक पेस्ट्री ले लो, कॉफ़ी ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आया ना इसलिए खुश हो रहा है। तो अभी बबका आ गए और इसके बाद हमारा प्लान है 6:15-6 बजे के आसपास सनसेट बीच से देखने का, और बीच पे जाएंगे वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, आरू को घुमाएंगे बीच पे, इसकी स्पेशली हम चेयर भी लेके आए हुए हैं, और सबसे ज़रूरी बात मैं जिस जिस कैफे जा रहा हूँ विद रिव्यूज़ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और सबकी लोकेशन ही बता दूंगा, और कौन सा मस्ट विजिट है वही बता दूंगा, टाइमिंग अरे वो तो सब बता दूंगा मैं। ये वैगेटर बीच पे है, हिल टॉप, यहाँ पे सनबर्न हुआ था लास्ट टाइम आया था दिसंबर में, यहीं पे इस पूरे एरिया में सनबर्न होता है, सामने बीच है वैगेटर बीच, यहाँ से ही ऑफ रोडिंग कर रहे हैं बलिनों की। आरू की ऑफ रोडिंग भी करवा दी, तन्वी को मजे आ रहे हैं, आरू को भी मजे आ रहे हैं, तो आ गए हैं वेगेटर बीच, आरू गोली गोलू की गोदी में है, क्या काफी रश हो रखा है आज, पता नहीं आज संडे है ना इसलिए, बहुत बढ़िया वैसे व्यू आ रहा है, इतना सामान दे दिया हाथ में, आरू आरू क्या सैटरडे संडे, हाँ सब जगह कैफेज में रिजर्वेशन कराने के बाद भी सीट नहीं मिलती, कितनी भीड़ है यार, कैलंगूट मेरे ऊपर करना थोड़ा, ये ऊपर करना, कैलंगूट और बागा पे होती इतनी भीड़, अब वैगेटर पे भी इतनी भीड़ लगने लगी है,
बताओ आगे चलना एंड में यार। वहाँ पे है कोई जगह? यार लास्ट टाइम मैं शानू भानु आई थी, इतनी भीड़ थी ना, संडे है ना, सब इसलिए आए हुए हैं। अटक गया यहाँ पे, ये इतना सामान लेके आए आरू की वीडियो शूट करने के लिए, ताकि आरू को याद रहे कि गोवा गया था फर्स्ट टाइम। पापा मम्मी इतनी मेहनत कर रहे हैं, माँ ओनली माँ भाई। आरू अपने को दिया मस्त घूम रहा, जब बड़ा हो जाएगा जब देखेगा एक कितना सामान लेके घूम रहे हैं। देखो देखते हैं, कुछ तो बनाते हैं। तो आरू का बीच का फोटो शूट का प्लान हमने स्किप कर दिया, क्योंकि उस दिन संडे था और संडे को वेगेटर बीच पे काफ़ी रश हो रखा था, और जो जो हमारा सेटअप हम लेके गए थे साथ में वो हम उसके अकॉर्डिंग रख नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद हमने थोड़ी देर फ्रिस्बी खेला बीच पे और सनसेट का वेट किया कि आए हैं तो सनसेट देख के जाएंगे। दिल्ली दरबार, ये कैंडलिम बीच का फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा खाना बताते हैं यहाँ का। मैंने नहीं खाया, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बट जहाँ हम स्टे कर रहे हैं और दो तीन लोगों से हमने बात की यहाँ पे, वो कह रहे हैं सबसे बेस्ट खाना कैंडलिम पे दिल्ली दरबार का है। अगर आपको नॉन वेज वेज दिल्ली वाला टेस्ट चाहिए वो सबसे बेस्ट है। इसकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे रेजेंटा होटल है, सबसे ऊँचा होटल है कैंडलिम बीच रोड पे, ये रहा कैंडलिम बीच रोड, इसके बिल्कुल ओपोजिट है दिल्ली दरबार। तो यहाँ का ट्राई करते हैं खाना, फिर बताते हैं एक्चुअल में अच्छा है या नहीं है, क्योंकि कल उसी साइड साथ में ही हूँ उनके, कि हम एक दो दिन पहले भी आए थे तब बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, ये तो पूरा भरा हुआ है भाई। खाते हैं खाना यहाँ का। टू गुड फूड एट दिल्ली दरबार, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। गोवा में किसी को भी मेन कोर्स खाना हो या स्टार्टर जो भी खाना हो, सबसे बढ़िया खाना दिल्ली दरबार पर मिलेगा। और अब हम खा रहे हैं पान, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कितने देगा रिव्यूज में स्टार दो? अरे क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा सेटिंग भी काफ़ी बड़ी है, एक बार खोलोगे? एक यहाँ पे सिटिंग है, एक उस साइड सिटिंग है। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है इनका। तो ये हमारी आज की लास्ट मील थी, लास्ट रेस्टोरेंट दिल्ली दरबार कैफे, हमने सुबह एक्सप्लोर कर लिए थे, अभी थोड़ा ड्राइव पे जाएंगे और फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। कल और कैफेज एक्सप्लोर करने हैं, बीच पे जाना है, आरू का शूट करना है, और देखते हैं क्या क्या प्लान है। तो अभी थोड़ी ड्राइव पे जाएंगे पंजिम साइड, मिलते हैं। गोवा में सेकेंड डे और हमारा एपिसोड थर्ड यही खत्म होता है। आरू मस्ती में लेटा हुआ है भाई, बाय बोल दे सबको, बाय बोल, रोना नहीं है, बाय बोल, बाय बोल। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। सारी कैफेज की मैंने डिस्क्रिप्शन में लोकेशन लिख दी है, सबको रेटिंग्स भी दे दी है, और आज हमने क्या किया
वो सारी चीज़ें जिस जिस बीच पे गए वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो मेरा ब्लॉग आरू की फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप है, देख भी रहा अपना नाम लेती, देख देख देख। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, एपिसोड 3 आरू फर्स्ट ट्रिप, तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोल दे, तू ही बोल, आरू बोल दे, बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ओए सब्सक्राइब, जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम, उसकी तरफ से जय श्री राम, करते हैं ब्लॉग पे एंड, बाय बाय।